शहर से आ गई है, समझ गया? वो मंदिर में है। बास कही का केबल कनेक्शन के पैसे थे, वो दारू पी कराता है। मम्मी ये दे दे, दे मेरा पसंदीदा पति पत्नी और सीरियल चला गया ना, अब तो घर में नहीं घुसेगा। शेर की तरह मुझे रखकर बिल्लियों से झगड़ा करके शर्म नहीं आती? रोज रोज सड़क पर तुम्हारा ये क्या नाटक चलता रहता है? ओए, शादी से पहले तेरे जैसा था और शादी के बाद मैं अपनी बैंड बजवा चुका हूँ। मुझे वीरप्पन जैसी औरत से मार खा रहा तेरी तो। रुक रे, अरे राम रुक, मैं भी आ रहा हूँ। ऐसे भागता है जैसे ओलंपिक में दौड़ रहा हो। अरे बेटा, ए गिरा 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 गिरा। अरे आराम से, वैसे भी हमें कंपटीशन बढ़ गया है। शक्ल देख साहब, साहब भगवान को नाम पे दे दो, साहब साहब भगवान को नाम पे दे दो। क्यों बेटा, क्या देख रहा है? देखो ना यार, इतनी सारी लड़कियों के बीच मेरी प्यारी सीता कितनी सुंदर दिख रही है। चुप रह, मंदिर के सामने भिखारियों की तरह सो जा, चलो चलो। अरे आज वो अकेली ही है, सही टाइम है, जाकर बोल दे। क्या बोल दे, क्या बोल दे, बोल। आओ बेटा। आई पापा। अब कैसे बताऊं यार, उसके लिए मेरे पास मस्त आइडिया है। बताऊं क्या? बकवास आइडिया देगा तो एक पड़ेगी। अरे छिलके का आइडिया यार, हमारी सीता भाभी मंदिर की परिक्रमा कर रही है, ऐसे उसके आगे छिलका डालेगा तो उस पर पैर रख के सर करके फिसल जाएगी। और उसी टाइम पर तू जिस तरह भूखा भेड़िया बकरी को झपट कर पकड़ता है ना, वैसे ही झपट कर पकड़ लेना। फिर मेलोडी गाना तेरे कानों में बजने लगेगा। जैसे पत्थर से पत्थर रगड़ने पर आग निकलती है ना, वैसे ही आंखों से आंखें मिलने पर प्यार उमड़। सीन कट करते हैं। कट मत कर यार। वो क्यों? फिल्म अच्छी लग रही है। ओए, वर्कआउट होगा क्या? वैसे ये सीन तूने कितनी फिल्मों में देखा होगा। अबे वर्कआउट नहीं होता तो ऐसे सीन फिल्मों में रखते है क्यों? काट देते ना, अकल का अंधा। मर गया। अब फेंक दे छिलका। ऑलरेडी फेंक चुका हूँ। I love you. ये शब्द उससे कहना बेटा, उल्लू के पट्टे। बोल दे। देख ले, देख। अरे हमने तो हिरनी के लिए जाल बिछाया था, उसमें हथनी फंस गई यार। चल देख ले तो सब समझ जाएगा। अरे यार उठा ले, उठा ले। क्यों रे चालबाज, ये क्या है? अब तू उस लड़की को इंप्रेस करके उससे प्रेम करके उससे शादी करेगा? सही पता लगाया तूने। क्या पता लगाया मैंने? एक लड़की से प्यार करना हो तो आंखों से आंखें मिलनी चाहिए, दिल से दिल मिलना चाहिए, उससे पहले दोनों की पसंद मिलनी चाहिए। मिल गई ना? देखो ना, देखिए ना, क्या मिल गई?
सीता को भी मेरी तरह पक्षी पालना अच्छा लगता है। शादी के बाद तो हमारा घर चिड़ियाघर हो जाएगा। मर गया। देखो तो बेचारे आजाद उड़ने वाले पंछियों को कैसे कैद करके रखा है। हम इसे इसके हिस्से की आजादी दे देते हैं। चुचु, टाटा, उज्जी। हे, तुम्हें भी पक्षी पसंद है क्या? बहुत पसंद है। मुझे भी पक्षी बहुत पसंद है। देखा ना, हम दोनों की पसंद कितनी मिलती है। कितने का है? 300 का है जी। सबका नहीं पूछा, एक का पूछा है। मैंने भी सबका नहीं बताया, एक का ही बताया है। कबूतरबाजी करने वाले को तू ये सब बता रहा है? मतलब तुम हमेशा कबूतर खरीदते हो क्या? इस गांव में नहीं मिलता तो बगल के गांव में खरीदने जाता है। तुम इसको नहीं जानती। ठीक है, अब तारीफ करना छोड़ना। ये देख, फाइनली एक कबूतर का 150 दूंगा। ले लो भाई। कितने चाहिए? मुझे सारे चाहिए। ये मैं वाला ले लूं। नहीं नहीं, ये मेरा, ये मुझे। अरे लगता है ये लोग जिंदा ही खा जाएंगे यार। किसी और के संसार में तुम्हारा जीना मतलब कैद होना, अपने संसार में तुम्हारा जीना मतलब आजादी। कदरदान बिन बुलाए मेहमान। सांपों को उनके बिल में देखा होगा, या जंगलों में देखा होगा, या फिर डिस्कवरी चैनल में देखा होगा। बड़ा खतरनाक है। काले नाग से मीटिंग करवाऊंगा और कभी कभी इनसे कराटे करवाऊंगा और इन्हीं सांपों से जंपिंग भी करवाऊंगा। ये है बाप रे। अच्छे फोटो खींच कर फेसबुक में डाल लो जी, या इससे प्यार से घर ले जाकर दूध पिलाओ जी। नग देता। जाओ जाओ। वन सेल्फी प्लीज, आ जाओ। कम ऑन। किसी और के संसार में तुम्हारा जीना मतलब कैद होना, अपने संसार में तुम्हारा जीना मतलब आजादी। बस कर सपेरे। अरे बाप, उठा ये सब और निकल यहाँ से। पहले निकल यहाँ से। तेरे पास मुंह है तो बिन मुंह के जानवरों का तमाशा करेगा? बताओ लोगों, तमाशा करेगा क्या? बताओ लोगों, और कितने दिन इंसान जानवरों पर जुल्म करेगा? आज इसका अंत होना ही चाहिए, होना चाहिए। सांप की जगह टोकरी में नहीं होती, बिल में होती है। बिल में? किसी और के संसार में तुम्हारा जीना मतलब कैद होना, और अपने संसार में तुम्हारा जीना मतलब आजादी। अरे बाप रे, छोड़ दो उसे। आजादी। हेलो, क्या हुआ? तुझे आजाद नहीं होना है, चल। किसी और के संसार में तुम्हारा जीना मतलब कैद होना, अपने संसार में तुम्हारा जीना। अरे साहब को अभी पकड़ कर लाया, उसका जहर नहीं निकाला है, वो काटेगा तो मर जाओगे। नागराजा, देखो नागराजा, तुम मुझे छोड़ दोगे ना तो नाग पंचमी पे 1 लीटर दूध पिलाऊंगी। नागराजा, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम्हारे बिल में कुछ खाने के लिए डाल दूंगा। नागराजा वो गधा है, उसकी बातों का भरोसा मत करो। मुझे छोड़ दोगे ना तो तुम्हारी मूर्ति की 1001 परिक्रमा करूंगी नाग देवता। नागराजा, तुम्हें तो पता है ना नागराजा, ये एक बार चक्कर लगाकर 1000 बार मुझसे चक्कर लगवा दिए, तुम्हें तो पता है ना नागराजा। अब तेरी तो नागराजा सारा झंझट दिखा। अरे आज बहुत अच्छा दिन है, 100 सालों में एक बार आता है ये दिन। आज के दिन जो पालकी उठाएगा उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, इसीलिए आज हमें किसी भी तरह से पालकी उठा लेनी चाहिए। चलो। ए, कोई अगर पैसे दे रहा हो तो उसे बातों से घुमा देते हैं हम। इच्छा पूरी करेंगे तो क्या भगवान की पालकी नहीं उठा सकते क्या? रुक बताता हूँ। यही बात है भाई,
अब क्या करें? इसमें सोचने वाली क्या बात है, चलो चलते हैं। चलो चलते। ओम कांति मतये नमः, ओम भृति मतये नमः, ओम कामिनीये नमः, ओम ब्रह्म रूपिणे नमः। रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, नमो नमो नमो। अरे इतनी जल्दी क्यों है, क्यों उठा रहे हो, नीचे रखो। अरे क्यों, पहले कुछ पीने को दोगे क्या? बिल्कुल नहीं, एक बार पालकी उठाने के बाद पूरे गांव में घुमाकर मंदिर में वापस लाने तक पालकी उठाने वाले एक बूंद पानी नहीं पी सकते मेरे अलावा। बेवकूफी करता रहा, मुझे क्या पता था। अब उठा गधा कहीं का, चल चलो चलो उठो। अरे भगवान जरा रुक तो जाओ, क्या प्रॉब्लम है? सामने पुजारी जी आ रहे हैं, इस पालकी में बैठेंगे, आइए पुजारी जी। पुजारी नहीं 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 नहीं। अरे बाप रे, मैं सुबह घर से बिना कुछ खाए निकला हूँ, मंदिर में कुछ मिल जाएगा? मंदिर का सारा प्रसाद खुद ही खा जाता। पंडित जी, ये तो गलत है पंडित जी। कुछ गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? चलो उठाओ उठाओ, उठा पालकी को। हे माता, तुम हमारी रक्षा करना। माता हमारी रक्षा करना। उठाओ, चलो ले चलो, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके। चल यहाँ से। हमें अच्छा फंसाया उसने। अभी तक तो क्वार्टर में ही वाटर की जरूरत समझता था, लेकिन आज वाटर की वैल्यू समझ में आया। अरे बच्चे लो, यात्रा समाप्त नहीं हुई। पंडित जी अब बस भी करो। देखो बच्चों, धर्म के नियम के अनुसार जो पालकी उठाते हैं उन्हें अग्निकुंड पर चलना होगा। पुजारी हो कि शैतान हो, हम लोगों को मारने का प्लान बनाया है क्या तुमने? हम लोग नहीं चलेंगे, जाओ हम लोग जा रहे हैं। कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? मैं भी आ रहा हूँ। तुम नहीं भाग सकते बेटा। चलना होगा बेटा, जाओ जाओ। आज का दिन बहुत शुभ है, तुम जो मांगोगे मिल जाएगा। मांग का मिलेगा ना? अवश्य मिलेगा, ना का तो प्रश्न ही नहीं है।
से ही। जलन हो रही है माँ। कितना जल गया है। इकलौते बेटे हो, तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। क्या कमी रखी है हमने तुम्हारे लिए, हमें ऐसे रुला रहे हो। माँ तुम रो मत माँ, तुम डांटती हो तो ये अच्छा लगता है, रोगी तो सहन नहीं होता। अरे तू पागल है क्या, डॉक्टरी पढ़ने वाली तुझे क्यों प्यार करेगी? वो डॉक्टरी पढ़ रही है या सुंदर है इसलिए मैं उससे प्यार नहीं करता। पता नहीं बचपन से ही वो मुझे बहुत पसंद है। डॉक्टर या इंजीनियर बनना तुम्हारी बेटे की किस्मत में नहीं लिखा है, लेकिन सीता का पति बनना तुम्हारे बेटे की किस्मत में जरूर लिखा है। एक बात तो है पापा, राम जी भले ही सीता के बिना रह लिए थे, लेकिन इस रामचंद्रपुर में ये राम सीता के बिना मर जाएगा। सपने में आई सीता हकीकत में आंखों के सामने नहीं आएगी। पैरों का दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन आंखों के सामने बैठी मैं दिखाई नहीं दे रही। तुम पागल हो क्या? खुद को मार के आखिर तुम साबित क्या करना चाहते हो, बोलो। मैं तो बस इतना ही प्यार जानता हूँ, तुम जिस स्कूल में थी वहां पढ़ना, तुम गांव कब आओगी उस दिन का इंतजार करना, तुम्हारे आगे अच्छा बनने का नाटक करना। सीता मेरे अलावा और किसी की नहीं हो सकती, भगवान से बस यही मांगता रहता था, बस मैं इतना ही प्यार जानता हूँ। लेकिन अब मैं समझ गया, प्यार दोनों के दिलों से पैदा होता है, ना कि ऐसे दिल पर नाम गुदवाने से पैदा होता है।